हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका दोस्त, आपका भाई पंकज एंड सल्लू राय ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज फिर से एक दिन आपको उसी जगह पर फिर पहुंच चुके हैं जो आपको मैंने पहले वीडियो में जानकारी दिया था, कल के वीडियो में। और ये है जयंत खदान, देख सकते हैं किस तरह से यहाँ काम चल रहा है और गाड़ियाँ अपने अपने काम में लगी हुई हैं और बहुत ही बड़ा खदान है दोस्तों। तो ये तो आपको हम एक साइड का बस हिस्सा दिखा पा रहे हैं, बाकी हमको दूसरे साइड से जाना पड़ेगा और आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कुछ लोग किस तरह से खदान में घुसकर, और आप देख सकते हैं कि खदान की धरोहर को और खदान से कोयला को अवैध रूप से कोयला चोरी कर कर के, और इस पहाड़ी से देखिए उतर रहे हैं लोग, आ रहे हैं अभी भी, और इधर से रास्ता बनाए हुए हैं दोस्तों और चढ़ रहे हैं। और ये घर है दोस्तों, और ये कोयला ऐसा नहीं है दोस्तों कि अपने ज़रूरत के लिए ही ले जा रहे हैं, ये जो है कोयला लेके और दोस्तों बेचते भी हैं। एक मिनट दोस्तों, पानी पी लिया जाए। आज सवेरे मैंने पानी नहीं पिया था और आज भी इनको स्कूटी सिखा के ला रहा हूँ झिंगुरदा प्रोजेक्ट से। ओह माय गॉड। और झिंगुरदा से सीखने के बाद बहुत प्यास लग गया दोस्तों, तो पानी पी रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग के सामने। तो एक मिनट दोस्तों पानी पी लें, तब तक आप लोग खदान का नज़ारा देखें। और पिलाइए भाई। बस तो नीचे रख दीजिए। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैं बैठ के पानी पी रहा हूँ और प्यास भी लग गया दोस्तों। आज क्या है कि मैं पानी नहीं पिया था, मेरा आदत है दोस्तों कि मैं सवेरे उठकर पानी ज़रूर पीता हूँ, अगर मैं पानी नहीं पीऊँगा तो मेरा रूटीन गड़बड़ा जाता है दोस्तों। कल आइसक्रीम भी लोग खिला दिए हैं दोस्तों, तो कल थोड़ा सा गला में खराश आ गया दोस्तों। और कल सभी बच्चों को घूमने के दौरान शाम में लेके गया था, तो कल सभी कोई आइसक्रीम खाए हम लोग मार्केट में। अब एक मिनट दोस्तों बात करते हैं, पहले पानी पी लूं। ये सुबह का खूबसूरत नज़ारा। ये पेड़ पूरा सूख गया है। तो बहुत खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। और तो सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है जो कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं, जो कि मैं देख सकते हैं दोस्तों, मैं अभी इस जगह पे ही खड़ा हूं और इसके नीचे दोस्तों, सॉरी दोस्तों ज़्यादा आगे नहीं जा सकता, इसके नीचे बहुत ही कम से कम दोस्तों हमको लगता है कि 50 फुट से नीचे दोस्तों गड्ढा है, खाई टाइप का एकदम पूरा, देख सकते हैं कितना ख़तरनाक है दोस्तों जगह। और अगर मैं यहां से गिरा दोस्तों, इसी मेढ़ी पे मैं भी खड़ा हूं दोस्तों, और अगर यहां से गिरा तो मेरा हालत ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं आगे नहीं जाऊंगा और आपको सेफ्टी के साथ ही कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेन मेरा दिखाने का दोस्तों मतलब ये है कि ये खदान जो है तो काम कर ही रहा अपना, लेकिन दोस्तों इसके साथ गलतियां कुछ ये कर रहा है कि जो यहाँ पे पहले से बासिंदे हैं, जो पहले से बसे हुए लोग हैं, उनको भी सेफ्टी का अपना ध्यान देना चाहिए।
आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे कुछ औरतें महिलाएं बैठी हुई हैं, यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जस्ट बगल में दोस्तों मुश्किल से 500 मीटर भी नहीं होगा, 100-200 मीटर होगा, एकदम से सटा हुआ है दोस्तों। और इतना रिस्क लेने की आवश्यकता क्या है दोस्तों, इन्हें कम से कम काम कर रहे हैं जिस समय खदान ब्लास्टिंग होगी, कुछ भी होगा तो बहुत जान माल का खतरा है दोस्तों। तो अपनी कम से कम दोस्तों सुरक्षा ही सब कुछ है, अपनी नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का ध्यान देना चाहिए। और इसी तरह से थोड़ा सा और नज़दीक से दिखाना चाहूँगा दोस्तों कि एक और आगे भी आप देख सकते हैं एक दो मकान है। तो इतना रिस्क इन्हें नहीं लेना चाहिए दोस्तों, और अपने जीवन को बचाए रखना चाहिए। और NCL को भी, NCL जयंत खदान को भी, ये जो मेन अधिकारी हैं इनके, उनको भी ये चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि या तो इन्हें समय रहते हटा दिया जाए, नहीं तो NCL जयंत खदान को इसके लिए समय पे अगर ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो इस हादसे को रोकने के लिए NCL को भी विचार करना चाहिए, जो भी इसके प्रबंधक हैं, जो भी मुख्य कार्यकर्ता हैं और जो भी मेन अधिकारी हैं, उनको ध्यान देना चाहिए दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे दोस्तों, और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आपका भाई पंकज एंड सल्लूराय ब्लॉग में आपका स्वागत है। और दोस्तों कोशिश ये करें कि हमें पूरा फुल सपोर्ट करें दोस्तों, किसी तरह का वीडियो आपके सामने मैं लाता रहूं और खदानों का भी वीडियो आपको दिखा सकूं। तो इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं दोस्तों, और आप लोग सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें जो नए हैं इस चैनल पर, और इसी तरह से प्यार भरा हमें आशीर्वाद देते रहें दोस्तों। नमस्कार, आपका पंकज एंड सल्लूराय।